ओके, सो चार अलग अलग स्ट्रेटजी। फर्स्ट क्लास पे हम लोग थ्री स्टॉक मास्टरी इंट्राडे कैश मार्केट स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करते हैं। सेकेंड जो क्लास होते हैं उसमें हम लोग बाउंसिंग फ्रॉम द रोप इंट्राडे बैंक निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे पे डिस्कस करते हैं। थर्ड जो क्लास रहते हैं उसमें हम लोग मूविंग एवरेज शैडो स्विंग ट्रेडिंग कैश मार्केट के ऊपर ये स्ट्रेटजी रहते हैं। और फोर्थ की ना लास्ट जो क्लास रहते हैं उसमें हम लोग पावर लैंटर्न जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। चार अलग अलग वीक पे हम लोग चार अलग अलग स्ट्रेटजी सीखते हैं। हर क्लास दो बार संडे होते हैं, एक 11 AM से स्टार्ट होते हैं और एक 5 बजे से स्टार्ट होते हैं। 11 AM का जो क्लास सुबह होते हैं वो इंग्लिश वर्सन रहते हैं और 5 बजे का जो क्लास रहते हैं वो हिंदी वर्सन रहते हैं। एक क्लास से दूसरे क्लास का कोई रिलेशन्स है नहीं, सारे इंडिविजुअली अलग अलग स्ट्रैटेजी है, तो किसी ने किसी भी वीक ज्वाइन कर सकते हैं। और मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मूविंग एवरेज शैडो टेक्निक स्विंग ट्रेडिंग पे ज्वाइन किए और नेक्स्ट क्लास पे आपको पावर लैंटर्न होंगे और बाकी सारे क्लास ऐसे ऐसे एक एक वीक पे होते जाएंगे। आपके कोई क्लास पे अगर आपका पूरा चीज क्लियर ना हो तो आप एक सेम क्लास रिटेक कर सकते हो कितने बार आप चाहो। जितना बार आपको लगे कि डाउट क्लियरिंग चाहिए तो उतना बार आप रिटेक कर सकते हो। और अगर आपके पास कुछ डाउट क्वेश्चंस ये सब है तो क्लास के टाइम्स आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। और जब हम होमवर्क देंगे, जब हम आपको एक्सरसाइज देंगे और उसके बारे पे कोई क्वेश्चंस आए तो इसके लिए आप मेरा डायरेक्ट जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें आप कांटेक्ट करके इसमें आपका जो क्वेरी है वो डाल सकते हो। 9339494323 आपके सारे क्वेरी क्वेश्चन डाउट सारे इस नंबर पे आप डाल सकते हो। अभी आते हैं हम लोग क्लास के बारे पे, क्या प्लान है। प्लान, सो योर प्लान इज लाइक दैट। पहले आपको संडे क्लास पे ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी है उसके बारे पे सीखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको बैक टेस्ट करना है। मतलब जो स्ट्रेटजी हम लोग क्लास पे डिस्कस किए वो सारे स्ट्रेटजी पिछला 2 महीना 3 महीना पे किस हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस क्या दिए, क्या रिजल्ट उसमें निकल के आए थे, वो आपको एटलीस्ट 3 मंथ ट्रैक करना चाहिए। स्ट्रैटेजी सिंपल रहेंगे, क्लियर रहेंगे, उसमें कोई एम्बिगुइटी होने का चांस है ही नहीं। तो आप आसानी से कोई भी चार्ट पे जाके लास्ट 3 मंथ के जो डेटा है, जो चार्ट है, उसमें आप देख सकते हो कि जो स्ट्रैटेजी आप क्लास पे सीखे वो स्ट्रैटेजी कैसे पिछले 3 4 मंथ आपके हिसाब से, आपको जितना टाइम मिले उतना हिसाब से उसको टेस्ट करके आप देख सकते हो कि आपके जो स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस क्या थे, स्ट्रैटेजी का रिजल्ट क्या थे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एटलीस्ट 15 दिन का पेपर ट्रेडिंग मास्ट, 15 डेज ऑफ पेपर ट्रेडिंग। उसके बाद कोई डाउट आए तो डाउट क्लियरिंग। और डाउट क्लियर हो जाए तो 15 दिन पेपर ट्रेड करने के बाद यू आर रेडी टू ट्रेड, आप ट्रेड करना चालू कर सकते हो। 3 स्टेप प्रोसेस है। लर्न दी स्ट्रैटेजी, बैक टेस्ट 3 मंथ ऑफ दी स्ट्रैटेजी। हम आपको एक ट्रैक शीट देंगे, बट देन हम चाहते हैं कि आपके खुद स्ट्रैटेजी सीखने के बाद आप खुद का टेस्ट खुद कर लो। आसानी से ट्रेडिंग व्यू जैसे कोई वेबसाइट पे आपको चार्ट मिल जाएंगे, जो स्ट्रैटेजी है वो चार्ट पे देख सकते हो। स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव टाइप से, सो इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि इधर है कि नहीं है, ऐसे कोई कंफ्यूजन होने का कोई चांस ही है नहीं, क्लियर स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी सीखने के बाद आपको उसको 3 मंथ बैक टेस्ट करना है और उसके बाद आप 15 दिन लाइव मार्केट पे उसको ट्रैक रखना है कि क्या ट्रेड आ रही है, एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, स्टॉप लॉस किधर रखे,
किस हिसाब से ट्रेड मैनेज करें उस टाइम, अगर लाइव मार्केट पे काम करने के लिए जो 15 दिन का जो पेपर ट्रेडिंग पीरियड है उसमें कोई भी दिक्कत आए, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट आए, तो मेरे को मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट तुरंत से तुरंत उस पोस्ट डाल दीजिए, हम उसको आंसर कर देंगे। और इस हिसाब से आपका डाउट क्लियरिंग हो जाने के बाद आप बिल्कुल रेडी हो लाइव मार्केट पे ट्रेड करने के लिए। ये स्ट्रैटेजी है। और आज हम लोग पावर लैंटर्न ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम लोग का आज के क्लास पावर लैंटर्न जैकपॉट ट्रेडिंग के ऊपर है। पावर लैंटर्न जैकपॉट ट्रेडिंग हम लोग एक एक्सेल के थ्रू करते हैं। डिसीजन प्योर मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, किधर ट्रेड लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, वो सारी चीज पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है। एक मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि ना ऑलरेडी टेस्टेड है, और आप जैसे हम बोले आप खुद टेस्ट कर सकते हो। आज हम लोग पावर लैंटर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस वीक जो इस क्लास पे ज्वाइन किए उसके क्लास उनके उनके क्लास पावर लैंटर्न जैकपॉट से हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास पे हम लोग थ्री स्टॉक मास्टरी और आगे जाके बाउंसिंग रोप एंड मूविंग एवरेज शैडो टेक्निक एक एक क्लास पे हम लोग सीखेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग पावर लैंटर्न जैकपॉट स्ट्रैटेजी के ऊपर। पावर लैंटर्न जैकपॉट निफ्टी फ्यूचर करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो पावर लैंटर्न जैकपॉट स्ट्रैटेजी क्या है ना, पावर लैंटर्न जैकपॉट निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंट मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट है, अभी निफ्टी फ्यूचर पे करेंट मंथ है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें ये स्ट्रैटेजी लगाना है। इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ निफ्टी पे लगाना है। बैंक निफ्टी के लिए हम लोग का अलग स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ निफ्टी के लिए लगाना है। और इसमें आपको करेंट मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखना है, कोई इंडेक्स नहीं है, कोई अदर्स कुछ नहीं है, इसमें करेंट मार्केट फ्यूचर का देखना है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, आपको जो चार्ट देखना पड़ेंगे वो 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम का रहेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम। इसमें कोई इंडिकेटर हम लोग लगाते नहीं है। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये पावर लैंटर्न नाम कैसे आए और पावर लैंटर्न का मतलब क्या है। पावर लैंटर्न जैकपॉट के बारे पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। जो स्ट्रैटेजी पावर लैंटर्न है, आपके पास आपके मेल पे एक ई बुक ऑलरेडी दिया गया है। हम इस ई बुक के बारे पे बात करते हैं। इस ई बुक पे हम पूरा स्ट्रैटेजी के बारे पे डिस्कस किए, इसके जो थियोरिटिकल पार्ट है, क्यों ये स्ट्रैटेजी किस हिसाब से ये नाम आए और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें क्या क्या ज्योमेट्री है, क्या हिसाब से ये ट्रेड स्ट्रैटेजी हम लोग इसमें क्या स्ट्रैटेजी लगाए, उसके बारे पे आपको इस ई बुक पे आपको मिल जाएंगे डिटेल्स इंफॉर्मेशंस। उसके साथ इस ई बुक पे हम काफी सारे चार्ट पे एग्जाम्पल दे के आपको एग्जाम्पल दे के इलस्ट्रेट किए कि कैसे ट्रेड देखना है, क्या देखना है, कब देखना है, क्यों ट्रेड बनते हैं, सारी चीज ये ई बुक पे ऑलरेडी है। तो हम इस क्लास पे प्रैक्टिकल करेंगे। इस क्लास पे हम आपको चार्ट पे कैसे देखना है, चार्ट पे ये एक्सेल को कैसे चलाना है उसके बारे पे डिस्कस करेंगे। ये एक्सेल के बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे क्या फॉर्मूला, क्या लॉजिक है, वो आपको इस ई बुक पे मिल जाएंगे। और ये ई बुक आपके पास ऑलरेडी आपके ईमेल पे, आप जो जिस टाइम्स आप ज्वाइन किए थे उसके साथ एक वेलकम मेल आपके पास चला गए थे, वो वेलकम मेल पे इस ई बुक आपके अटैच है। और आपके इसके ऊपर जानकारी लेने के लिए ये ई बुक एक बार छोटा सा ई बुक है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। इसमें आपको काफी हद तक हेल्प मिल जाएंगे क्योंकि इसमें हम पूरा चार्ट दे के आपको इलस्ट्रेट कर दिए कि किस हिसाब से ये चलते हैं।
अभी इस क्लास पे हम लोग कोई थ्योरी थ्योरी पे नहीं जाएंगे। इस क्लास पे हम लोग सिर्फ के सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि ट्रेड कैसे लेना है, बाई कैसे लेना है, सेल कैसे लेना है, इसके बारे पे इस क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन आप देख पा रहे हो सब। और एक मिनट, ये जो एक्सेल सीट है, इस एक्सेल ये जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है निफ्टी फ्यूचर का। और निफ्टी फ्यूचर चार्ट पे जो फास्ट कैंडल है, उस फास्ट कैंडल है, सेकेंड कैंडल एंड एकदम लास्ट वाला जो कैंडल है, ये तीनों कैंडल का हाई लो इसमें डालना है। कब डालना है वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते। पूरा प्लान क्या है हम लोग का, क्या प्लान रहेंगे। आइडिया हम लोग का ये है, जो हम लोग निफ्टी पे ट्रेड लगाते हैं, जो निफ्टी इंट्राडे कभी ट्रेड करके देखे, एक प्रॉब्लम मेरा एक्सपीरियंस है, हम निफ्टी इंट्राडे ट्रेड पे देखे कि अगर हम एवरी डे एक पोजीशंस बनाते हैं तो कुल मिलाते हैं मंथ के एंड पे की, 6 मंथ पे की, ईयर एंड पे डेली डेली ट्रेड करने से प्रॉफिट लॉस, एक दिन प्रॉफिट होते, एक फेज पे प्रॉफिट होते और एक फेज पे लॉस हो जाते, इस हिसाब से कुल मिला के हाथ पे कुछ बचते नहीं है। उसके बाद ब्रोकरेज भी लगते हैं, स्लिपेज लगते हैं। तो डेली इंट्राडे निफ्टी ट्रेडिंग करके फायदा बहुत ही कम मिलते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इसीलिए हम लोग ये पावर लैंटर्न जैकपॉट स्ट्रेटेजी से ट्रेड लगाते हैं। इसमें क्या होते हैं कि पावर लैंटर्न जैकपॉट निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको एक स्पेसिफिक कंडीशंस पे बोलते हैं कि नेक्स्ट डे टुमोरो आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। कंडीशंस अगर सही है तो नेक्स्ट डे ट्रेड लेना है, अगर कंडीशन सही नहीं है बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटेजी तो नेक्स्ट डे ट्रेड लेना नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इसके दो पार्ट है, एक है टुडे आज आज के डे और एक है टुमोरो। फॉर एग्जाम्पल, एक है टुमोरो, फॉर एग्जाम्पल आज के दिन पे अगर मंडे के लिए ट्रेड लेना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेंगे, हम लोग को फ्राइडे फ्राइडे पे जो ट्रेड हुए थे उसके डेटा एक्सेल सीट पे डालना पड़ेंगे। डालने पे हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को मिलेंगे कि मंडे ट्रेड करना है कि नहीं करना है। तो फ्राइडे मतलब आज संडे हो गए, तो लास्ट लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन थे फ्राइडे, उसके उसमें क्या डेटा डालना है, उसमें क्या डेटा डालना है, उसके एक तो डालना है फास्ट 15 मिनट हाई एंड लो, और क्या डालना है, सेकेंड 15 मिनट हाई एंड लो, और क्या डालना है, लास्ट 15 मिनट हाई एंड लो। किधर डालना है ना, एक्सेल शीट पे डालना है, वो हम आपको दिखा देंगे कि कैसे डालना है, किधर डालना है, चार्ट पे जाके कहाँ पे क्या देखना है, वो हम आपको दिखा देंगे, लाइव एग्जांपल दिखा देंगे। बट देन अभी फोकस रखो कि प्लान क्या है। प्लान है कि मान लो मंडे ट्रेड करना है कि नहीं करना है, इसीलिए आज हम लोग आज के मार्केट की, जैसे फ्राइडे लास्ट डे ट्रेडिंग सेशन थे उस उन पे जो भाव बने थे वो हम लोग एक्सेल शीट पे डालेंगे। एक्सेल शीट पे तीन पॉइंट है, तीन डेटा पॉइंट डालने का एक फॉर्म है,
उसमें हम लोग 15 मिनट कैंडल के, दिन का स्टार्टिंग कैंडल, दिन का सेकंड कैंडल, दैट मीन्स 9:15 से लेके 9:30 का कैंडल, 9:30 से लेके 9:45 का कैंडल, और एकदम आखिरी कैंडल 3:15 से लेके 3:30 तक जो कैंडल बांधते हैं 15 मिनट चार्ट पे, उनके हाई एंड लो हम लोग नोट कर लेंगे और वो एक्सेल शीट पे डाल देंगे। एक्सेल शीट पे डालने पे क्या होंगे, एक्सेल शीट पे डालने से दो चीज हो सकते हैं, वो बोल सकते नो ट्राई नेक्स्ट डे, वो बोल सकते नो ट्राई नेक्स्ट डे, और बोल सकते कि यस। सिंपल सा बात है, अगर वो यस बोले तो हम लोग को नेक्स्ट डे ट्रेड करना है, और अगर नो ट्राई नेक्स्ट डे बोले तो नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं करना है। सिंपल सा बात, अगर यस बोले तो मंडे हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार चार्ट से डेटा लेके डाल के देख लेते हैं कि एक्सेल कैसे बिहेव करते हैं। इसमें आप देख पा रही हो कि हम एक निफ्टी फ्यूचर के एक चार्ट ओपन करके रखें, ये 15 मिनट का चार्ट है, आप इसको 15 मिनट पे कन्वर्ट कर लेना। और ये देखो निफ्टी दिसंबर फ्यूचर का चार्ट है, नॉट निफ्टी 50 का चार्ट, ये निफ्टी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के चार्ट है, एक्सपायरी के बाद निफ्टी जनवरी का चार्ट रहेंगे, ऐसे रहेंगे, कोई इंडिकेटर आपको जरूरत नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेंगे, थोड़ा देख लेते हैं आगे पीछे, दो चार दिन का ट्रेड डाल के देख लेते हैं। हम एक दो दिन का एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, आप इस हिसाब से आप अपने आपके पास जो चार्ट है उससे जितना दिन मन चाहे उतना दिन का डेटा डाल के आप टेस्ट कर सकते हो। हम रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 3 मंथ के डेटा आप डाल के चेक करा करो। तो हम लोग आ जाते हैं इसमें, हम लोग ये 7/12 7 तारीख के डेटा इसमें डाल के देखते हैं क्या होते हैं। अभी देखो इसमें लिखा है नो ट्राई नेक्स्ट डे, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डेट जो है इसको चेंज कर देंगे, तो हम इसका डेट डाल दिए 7/12। क्यों 7/12, क्योंकि 7 तारीख ट्रेड कंप्लीट होने के बाद एंड ऑफ द डे हम लोग इस एक्सेल पे 7 तारीख का डेटा डाल के देखने चाहते हैं कि नेक्स्ट डे या कि 8 तारीख हम लोग को ट्रेड करना है कि नहीं करना है। अभी तक तो हम लोग ये डिस्कस कर रही है कि ट्रेड करना है कि नहीं करना है, अगर ट्रेड करना है तो कैसे करना है वो हम लोग आगे जाके सीखेंगे। ओपन हाई लो क्लोज आपको इधर मिल जाएंगे, आप देखते जाओ। ये देखो ये पहला कैंडल है दिन का, दिन का पहला कैंडल है, इसके हाई थे 13317.5, हम हाई डाल दिए। इसके लो क्या थे, इसके लो थे 13268.2, हम लो इसमें डाल दिए। इसके बाद क्या करना है, देखो इसमें क्लियर कट इंडिकेशन है 9:15 से लेके 9:30 का हाई लो डालो। इसके बाद क्या बोल रही है, 9:30 से लेके 9:45 का हाई लो डालो, 9:30 से 9:45 का हाई लो इसमें डालना है 13339.95, और लो है 13305.35। दोनों डेटा डाल दिए। इसके बाद क्या करना है, इसमें लिखा है 3:15 से लेकर 3:30 का डेटा डालो, तो डाल देते हैं 3:15 से लेकर 3:30 का डाटा। हाई है 13389.5 और लो है 13381.95। जैसे सारे डेटा हम डाल दिए तो इसमें क्या आ गया, इसमें जैसे नो ट्राई नेक्स्ट डे भी है, इज टुमारो इज ए पर्ल एंड रन जैकपॉट अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या बोल रहे हैं नो ट्राई नेक्स्ट डे, इसका मतलब क्या होंगे, 7 तारीख का डेटा डाल के
नो ट्राई नेक्स्ट डे आए, तो दैट मींस कि 8 तारीख को हम लोग को कोई ट्रेड नहीं करना है, 8 तारीख पे कोई ट्रेड हम लोग को नहीं लेना है, तो ये तो क्लियर हो गए थे और हम लोग 8 तारीख कोई ट्रेड नहीं लिया। तो अभी आते हैं 8 तारीख के, 8 तारीख ये मार्केट खत्म होने के बाद हम लोग 8 तारीख वापस चेक कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेट को चेंज करके 8 कर देंगे और ये सारे डेटा हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करके सेम आपका सेम टू सेम आपको सेम फर्स्ट 15 मिनट के डेटा हाई लो डालना है, सेकेंड 15 मिनट का हाई लो डालना है और लास्ट कैंडल का हाई लो डालना है। तो 8 तारीख के 8 तारीख पे फर्स्ट जो कैंडल थे उसके हाई थे 13420.5 और जो लो थे वो थे 13385.45। दोनों डेटा हम लोग डाल दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सेकेंड कैंडल का 9:30 से लेकर 9:45 के कैंडल का जो हाई लो है वो हम लोग डालेंगे। इसका हाई है 13442 और लो है 13412.6। ध्यान रखें कि 2 डिजिट तक डेटा डालना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को एकदम जो आखिरी कैंडल है उसके हाई लो डालना है। हाई क्या है, 13428.95 और लो है 13417.55। ये डेटा डालने के बाद हम लोग के पास एक ईएस आए, तो इज टुमारो इज ए पावर लैंटर्न जैकपॉट अपॉर्चुनिटी, ये बोल रही है यस। इसका मतलब क्या हो गया, 8 तारीख के एंड पे हम लोग इसमें डेटा डाले, 8 तारीख इसमें ईएस आए, इसका मतलब क्या है, 9 तारीख हम लोग को ट्रेड करना है। सिंपल सा है, 9 तारीख हम लोग को ट्रेड करना है, क्योंकि हम लोग एक ट्रेड मिल गई है, तो हम लोग देख लेते हैं कि 9 तारीख अगर ट्रेड करना है तो हम लोग कैसे ट्रेड करें, क्या ट्रेड करें, एंट्री मेरा क्या रहेंगे, एग्जिट क्या रहेंगे, ये सारे चीज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग के पास क्या हुए, हम लोग देख लिए कि 8 तारीख हम लोग के पास एक यस थे, 8 तारीख हम लोग को यस मिले थे। क्योंकि 8 तारीख हम लोग को यस मिल गए थे तो हम लोग क्या करेंगे, 9 तारीख हम लोग ट्रेड लगाएंगे। 9 तारीख हम लोग को एक दिन पहले समझ में आ गए थे कि 9 तारीख हम लोग को ट्रेड करना है। अगर एक्सेल यस बोले तो ट्रेड नेक्स्ट डे ट्रेड करना है, अगर एक्सेल यस ना बोले तो नेक्स्ट डे ट्रेड करना नहीं है। सिंपल क्लियर, इसमें कोई सब्जेक्टिव कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल ऑब्वियस चीज है। 9 तारीख हम लोग क्या करेंगे, 9 तारीख हम लोग मार्केट ओपन होने के बाद हम लोग 15 मिनट वेट करेंगे, क्या कि हम लोग बांधने देंगे दिन का फास्ट कैंडल को कंप्लीट होने देंगे। रिमेम्बर ये जो चार्ट है ये 15 मिनट के चार्ट है और निफ्टी फ्यूचर करेंट मंथ के चार्ट है। दिन का फर्स्ट कैंडल 15 मिनट का कितने बजे रहेंगे, दिन का जो फर्स्ट कैंडल वो 9:15 पे चालू होंगे और 9:30 पे खत्म होंगे। तो आप मार्केट कब देखना चालू करेंगे, आप 9:30 पे मार्केट देखना चालू करेंगे। आज क्यों आप मार्केट देखने आए, क्योंकि कल यस्टरडे आपका जैकपॉट एक्सेल पे यस आए थे, इसीलिए आप आए आज ट्रेड करने। अगर उसमें नो आते तो आज आपको मार्केट खुल के देखने का ही जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी, आपके पास दूसरा स्ट्रैटेजी तो उसको कंटिन्यू रखिए। एक 15 मिनट का जो कैंडल है वो कंप्लीट होने देना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका 15 मिनट के कैंडल का जो हाई है उसको मार्क करना है और जो लो है उसको मार्क करना है। काम आसान है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक SLM बाय ऑर्डर लगाना है,
जो हाई है उसमें, और क्या करना है, और एक SLM सेल ऑर्डर लगाना है कैंडल के लो पे। बस आपके काम मोटा मोटी आज के लिए खत्म हो गया और कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या होंगे, इसके बाद मार्केट मान लीजिए एक कोई भी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट लेंगे उस दिन, मान लीजिए इस एग्जांपल पे वो बाय साइड पे आपके बाय ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गए, तो जैसे बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया आपके पास जो SLM सेल ऑर्डर है ये ऑर्डर अभी स्टॉप लॉस ऑर्डर बन जाएंगे, ये आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर बन जाएंगे। इसमें आप कितना किए, इसमें आप वन लॉट डाले थे, मान लो आप वन लॉट डाले थे तो एक वन लॉट बाई हो गया अभी आपके, और ये जो नीचे जो सेल ऑर्डर थे आपके पेंडिंग ऑर्डर दिखाएंगे इसको, ये पेंडिंग ऑर्डर आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर बन जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये ट्रेड को होल्ड करना है और 3:15 में एग्जिट करना है ट्रेड से, 3:15 में आपको ट्रेड से एग्जिट करना है, यही काम है। अभी हमेशा ऐसे होंगे कि नो ट्रेडिंग पे रिस्क तो रहेंगे ही, और ऐसे कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं है जो कि ना लगा एकदम 100% है, तो हम क्या करेंगे जब मेरा लॉस लग जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए थोड़ा देर मार्केट गिए और उसके बाद वो नीचे आके आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिए, इस पॉइंट पे आपके पास दो चॉइस है, एक है कि आप स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाओ, आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो सकते हो और जो स्टॉप लॉस है उसमें जो लॉस हो गया आज के लिए वो लॉस आपका इनफ है और आप आगे चीज़ों को नहीं बढ़ा रही हो और आपका गोल है लॉस को मिनिमाइज करना, तो एक कैंडल का जो दिन का पहला जो कैंडल है उसके जो हाई एंड लो का रेंज है वो रेंज आपके लिए रिस्क है, और आप उतना रिस्क पहले से प्लान करके रखे थे जब आप ये डिसीजन लिए थे कि आप निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करेंगे, तो आप ये डिसीजन भी लिए थे कि हम दिन का जो फास्ट कैंडल होंगे उसका जो रेंज है मान लीजिए वो 40 पॉइंट की 50 पॉइंट 9:15 से लेकर 9:30 का हाई लो, वो डिस्टेंस 40 पॉइंट भी हो सकते हैं, 30 पॉइंट भी हो सकते हैं, 20 पॉइंट का भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट आपके प्लान के अनुसार जो भी वो रेंज रहेंगे वही आपका मैक्सिमम लॉस उस दिन के लिए सेट होगी, उसको कोई चेंज नहीं करना है। और अगर ऐसे हो कि आपके बाय ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट हो गए और उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गए और मार्केट नीचे नीचे आते गए और आपके जो ओरिजिनल जो बाय पोजीशंस थे वो अभी स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट कर दिए, इस पॉइंट पे आपको दो ऑप्शन है, एक तो क्या कि स्टॉप लॉस होगी हम प्रोफेशनल ट्रेडर है स्टॉप लॉस तो हो ही सकते हैं, नेक्स्ट डे दिखा जाएंगे और हम आज पूरा दिन भर कुछ काम नहीं करेंगे, काम बंद हो गया मेरा लॉस लग गया हम मार्केट से आज बंद कर देगा, एक तो ये एटीट्यूड हो सकते, दूसरा एटीट्यूड हो सकते कि नहीं एक बार ट्राई तो करके देखें, फर्स्ट ट्रेड पे लॉस हुए अगर ये लॉस रिकवर कर सकते एक बार ट्राई करके देखें, ये चीज भी आपके दिमाग पर आ सकते। अगर लॉस को रिकवर करने के लिए आपको ट्राई करना है तो आपको क्या करना है, जैसे ये ऑर्डर आपके बाय साइड पे एग्जीक्यूट हुए, जैसे ये ऑर्डर आपके बाय साइड पे एग्जीक्यूट हुए आपको सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये जो SLM सेल ऑर्डर थे इसको क्या करना है, इसका लॉट साइज 2 कर देना है, ये एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। क्या मतलब इसका बने, इसका मतलब ये बने जो स्ट्रैटेजी का जो नेम है इसको बोलते हैं SAR, मतलब क्या है, स्टॉप लॉस एंड रिवर्स, स्टॉप लॉस एंड रिवर्स, SAR के मतलब स्टॉप लॉस एंड रिवर्स, स्टॉप एंड रिवर्स, स्टॉप एंड रिवर्स मतलब जैसे बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए और आप देख रहे हो नहीं आज तो मार्केट आपके फेवर पे नहीं जा रही, आप क्या किए ये जो स्टॉप लॉस है इसको एक लॉट के जाएगा 2 लॉट कर दिए, इसमें क्या होंगे, इसमें यही होंगे कि आपका जो बाय पोजीशन है वो तो काट जाएंगे हाथों हाथ, एक सेल पोजीशन शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो जाएंगे, ओके शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होगी। अभी क्या करना है, अभी हम लोग क्यों हुए शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किए ना, आज के दिन पे जो लॉस हुए हम चाहते हैं कि
एक बार अटेम्प्ट लेके वो लॉस को रिकवर कर ले, मेरा दिन अगर ब्रेक इवन पे भी जाए तो कोई बात नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आज के दिन खत्म हो जाए, ये मेरा मानना है। तो इस हिसाब से हम क्या किए, जैसे मेरा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, हम जो स्टॉप लॉस ऑर्डर मीन सेल ऑर्डर जो थे, जो कि ना एक लॉट से हम लगाए थे, उसको हम चेंज कर दिए, उसको हम दुगुना कर दिए, दो लॉट कर दिए। जैसे ये कर दिए, और अगर आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाए, या कि आपका मीन्स निफ्टी फ्यूचर के प्राइस दिन के जो आपके जो सेल पॉइंट है उसके नीचे चला जाए, तो आपका जो ओरिजिनल बाय पोजीशन है वो तो कट जाएंगे, उसके साथ हाथों हाथ आपका एक शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो जाएगा। अभी हम लोग क्या होल्ड कर रही है, हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन होल्ड किए। हम लोग के पास अभी क्या है, अभी हम लोग के पास एक शॉर्ट पोजीशन है। ये शॉर्ट पोजीशन को अभी कैसे मैनेज करें ना, इस शॉर्ट पोजीशन को मैनेज करने के लिए हम सारी चीज आपको चार्ट पे भी दिखाएंगे। एक बार इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए तो चार्ट पे देखना आसान है। तो हम लोग के आज के दिन पे लॉस कितना लगे, आज के दिन पे लॉस लगे इतना, ये जो डिस्टेंस है ये मेरा लॉस लगे, ये मेरा लॉस लगे। आज कितना लॉस लगे ना, इसका हाई फर्स्ट कैंडल का हाई और लो जो जो डिस्टेंस है उतना तक हम लोग को लॉस लगे। अगर एक फर्स्ट कैंडल का हाई लो का डिफरेंस 30 पॉइंट है तो 30 पॉइंट का लॉस लग जाएंगे, अगर 40 है तो 40, और कोई भी अमाउंट जो होंगे आप लॉस तो उतना ही होंगे। और जो न्यू सेल पोजीशंस क्रिएट हुए स्टॉप लॉस के बारे पे, जो कि ना मेरा ओरिजिनल पोजीशन बाय थे उनके स्टॉप लॉस लग गए, और इसीलिए मेरा एक शॉर्ट पोजीशन ओपन हो गई, क्योंकि हम इसमें दो लॉट लगा के रखे थे स्टॉप लॉस पे, मेरा एक लॉट से तो मेरा जो बाय पोजीशंस थे वो तो कट गए, और एक पोजीशंस आपके ओपन हो गए। ये ओपन पोजीशंस के लिए आपको न्यू टारगेट रखना है कितना ना, सिर्फ इतना डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस आपका लॉस हुए आपका टारगेट भी उतना ही होंगे। तो इसका मतलब क्या हुए, इसका मतलब हो गया कि हम आज हम क्या उम्मीद कर रही है मार्केट से, हम उम्मीद कर रही है जो हम अकफा सौदा पे जो लॉस कर लिए वो हम रिकवर करके घर चला जाए, और हम आज नो प्रॉफिट नो लॉस पे घर चला जाए। इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, मेरे को हम जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग पे हमेशा प्रॉफिट नहीं होंगे, और जिस दिन लॉस होंगे उस दिन हम एक बार ट्राई लेंगे कि वो लॉस को रिकवर करने के लिए। अच्छा, अगर दूसरा पोजीशंस भी तो एग्जीक्यूट तो हो गया, उसके बाद टारगेट तक नहीं पहुंचे और वापस घूम गए, तो हम क्या करेंगे, तो हम अनफॉर्चुनेट डे उस दिन तो हम लोग को ये जो हाई है इसमें दूसरा पोजीशंस भी काटना पड़ेंगे, दूसरा जो पोजीशंस है उसको उसको काट काट देंगे। ऐसी स्थिति बनते हैं, हाँ ऐसी स्थिति भी बनते हैं, बट तो ऐसी स्थिति बनते हैं तो हम लोग क्यों ये स्टॉप लॉस रिवर्स कर रही है। स्टॉप लॉस रिवर्स इसीलिए कर रही है कि स्टॉप लॉस रिवर्स करने से जो मान लीजिए 10 ट्रेड पे 4 ट्रेड आपका लॉस हो रही है, ये 4 ट्रेड पे एटलीस्ट 3.5, 3.5 तो नहीं होते बट छोटा, मान लो 3 बार आप क्या करेंगे, आप लॉस को रिकवर कर लेंगे, और एक बार आपका डबल लॉस लग जाएंगे, और ये रेशियो हमेशा हम लोग का फेवर है। अगर मान लो 3 बार हम लॉस रिकवर कर लिए और एक बार डबल लग जाए, तो भी मेरे पास दो इवेंट का जो लॉस रिकवर हुए वो मेरा प्रॉफिट हो जाएंगे, वो मेरा अकाउंट पे जमा होते जाएंगे। तो इसमें स्टॉप लॉस रिवर्स लगाने पे फायदा है। स्टॉप लॉस रिवर्स हम पर्सनली हम इसको 26 अक्टूबर से लगाना चालू किए। 26 अक्टूबर के पहले हम स्टॉप लॉस रिवर्स नहीं करते थे। 26 अक्टूबर के पहले अगर ट्रेड पे लॉस लग जाते तो हम चुपचाप बैठ जाते और इसमें लॉस को रिकवर करने के लिए ट्राई नहीं करते थे। तो अभी क्यों कर रही है, अभी इसीलिए कर रही है कि मार्केट पे अभी इनफ वोलेटिलिटी है, और हम देखें कि इसमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है, ये स्ट्रेटेजी इम्प्रूव हो जाएंगे अगर हम लोग स्टॉप लॉस रिवर्स लगाए। हम 26 अक्टूबर से आज तक हम इसको प्रैक्टिस किए, अभी हम कॉन्फिडेंट की स्टॉप लॉस जो एग्रेसिव ट्रेडर है, ऑब्वियसली जो एग्रेसिव ट्रेडर है, हम कॉन्फिडेंट है कि जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनको स्टॉप लॉस एंड रिवर्स पे काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस लग जाने से सौदा को घुमाना चाहिए,
और लॉस जो हुए उतना तक रिकवर हो जाए तो मार्केट से एग्जिट लेना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन ओनली एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। अगर कोई बिगिनर ट्रेडर हो तो आपको ये नहीं करना है, आपको तो स्टॉप लॉस लगने से बाहर हो जाना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए और कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डे आपको मार्केट खत्म होने के बाद वापस एक्सेल पे जाके डेटा डाल के देखना है कि नेक्स्ट डे ट्रेड आपके है कि नहीं है। अगर नेक्स्ट डे ट्रेड है तो वापस वही स्ट्रेटेजी को रिपीट करना है। थ्रू आउट द ट्रेडिंग प्रोसेस इसमें आपका खुद का डिसीशन कुछ भी नहीं लेना है और सारे चीज आपका मैकेनिकल है कि रूल बेस्ड है। क्या बोले हम बोले रूल बेस्ड। एक रूल है जो रूल बुक आपको गाइड करते हैं कि कब करना है, क्यों नहीं करना है, अगर करना है तो किधर लगाना है एंट्री, स्टॉप लॉस किधर रहेंगे, एग्जिट किधर रहेंगे, सारी चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है। आपके काम है सिर्फ उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूशन करना। अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग चार्ट पे जाके एक बार देख लेते हैं कि हम लोग का प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट कैसे होते हैं। जैसे कि हम लोग पहले कुछ कुछ देर पहले हम लोग देखे 8:12 इस दिन एक ईएस आए थे, तो हम लोग देख लेते हैं इस ये जो एंट्री रूल हम लोग बताएंगे इसमें 9 तारीख क्या ट्रेड थे। तो एक बार देख लेते हैं 9 तारीख क्या ट्रेड थे। तो हम लोग चार्ट पे आ गए, हम लोग क्या किए थे 8 तारीख के डेटा एक्सेल शीट पे डाल डाल दिए थे। 8 तारीख के डेटा एक्सेल शीट पे डाल के हम लोग के पास ये आए थे। तो अभी हम लोग 9 तारीख पे है, 9 तारीख पे पहला जो 15 मिनट का कैंडल है वो कैंडल खत्म होने दिए। खत्म होने के बाद हम लोग क्या किए, हम लोग इसमें एक बाय सेल ऑर्डर लगाए। कहाँ पे लगाए ना, ये जो दिन का जो पहला कैंडल है इसके ऊपर एक बाय ऑर्डर लगाए, इसके नीचे एक सेल ऑर्डर लगा दिया। बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। जैसे एग्जीक्यूट हो गए जो कि ना एग्रेसिव ट्रेडर वो क्या करेंगे, ये जो सेल ऑर्डर इसको बढ़ा के इसको एक लॉट बढ़ा देंगे, 2 लॉट कर देंगे और कुछ नहीं करना है। उसके बाद 3:15 देखो ये मार्केट ऊपर ही ऊपर ही रह गया, तो 3:15 पे आपके ट्रेड एग्जिट कर दिए। 8 तारीख के डेटा इज सिंपल, 8 तारीख के डेटा डाल के आपको यस मिले थे इसीलिए 9 तारीख आप ट्रेड करने की है। 9 तारीख आप फर्स्ट जो कैंडल बने उसके हाई के ऊपर और लो के नीचे एक ऑर्डर लगाए। ऑर्डर लगाने के बाद आप वेट किए, जैसे बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया आपको पता चल गया कि आज लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, तो जो आपके स्टॉप लॉस है इस स्टॉप लॉस को आप 2 क्वांटिटी से एक क्वांटिटी और इंक्रीज कर दिए। अगर आप एक लॉट पे ट्रेड करते हो तो जो स्टॉप लॉस है उसको 2 लॉट कर दिए थे, क्यों कर दिए थे आगे जाके हम लोग देखेंगे। उसके बाद बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए थे और हम लोग का प्लान थे 3:15 तक होल्ड करना, हम लोग होल्ड किए, इस दिन हम लोग का अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया थे। तो अभी क्या करना है, प्रॉफिट तो होगी, अभी मार्केट खत्म हो गई है, मान लीजिए 9 तारीख है आज और मार्केट खत्म हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे 9 तारीख के डेटा इसमें वापस डाल देंगे। पहले हम लोग डेट चेंज करेंगे, इसके बाद 9 तारीख खत्म होने के बाद अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि 10 तारीख ट्रेड करना है, 10th of December पे ट्रेड करना है कि नहीं करना है, ये चीज हम लोग देखने चाहते हैं। क्योंकि 8 तारीख के डेटा डाल के हम लोग दिख गए थे कि 9 तारीख ट्रेड करना है, अभी 9 तारीख खत्म हो गए, 9 तारीख हम लोग का प्रॉफिट हुए, हम लोग फर्स्ट 15 मिनट के हाई लो पे एंट्री लगाए थे, बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए थे, स्टॉप लॉस को हम लोग और एक लॉट से इंक्रीज कर दिए थे, बट उस दिन 9 तारीख स्टॉप लॉस नहीं लगे और मार्केट सीधा सीधा ऊपर चलते गए और 3:15 पे हम लोग मार्केट से उतर गए। अभी आ गए हम लोग 9 तारीख कंप्लीट हो गए, 9 तारीख की इवनिंग तक आप इसको करना है और इसमें जो फर्स्ट कैंडल जो है उसके हाई लो 13488 हाई डाल दिए, उसके जो लो है 13457.7 डाल दिए। इसके बाद हम लोग क्या किए, सेकंड जो कैंडल से इसके हाई लो डालेंगे, उसके हाई है 13494.35 और इसके लो जो है वो है 13480.6।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एकदम आखिरी कैंडल के जो हाइलो है वो हाइलो इसमें डालेंगे, 13577.35। और लो क्या है, लो है 13564, जो कि न डालने से हम लोग के इसमें नो आ गई है। अब देख सकते हो इसमें नो ट्राई नेक्स्ट डे बोल रही है। नो ट्राई नेक्स्ट डे मतलब क्या हो गया, 9 तारीख के डेटा डाल के नो ट्राई नेक्स्ट डे, दैट मींस कि 10 तारीख कोई ट्रेड नहीं करना है, 10 तारीख कोई ट्रेड नहीं करना है। तो 10 तारीख हम लोग कोई ट्रेड नहीं किए, 10 तारीख के मार्केट को छोड़ दिए थे, कुछ नहीं करना है छोड़ दिए थे, और 10 तारीख की मार्केट खत्म हो गई। खत्म होने के बाद हम लोग क्या किए, वापस हम लोग एक्सेल पे आ गए, 10 तारीख के मार्केट खत्म होने के बाद एक्सेल पे आ गए, और एक्सेल इवनिंग पे हम लोग के काम कर रही है, 2 मिनट का भी काम नहीं है। आपको क्या करना है, आपको डेट चेंज करना है, 10 तारीख कर दिए, और आपको क्या करना है, इसके जो हाई लो है ये डालना है, वापस वही काम 13519.90। फर्स्ट कैंडल का हाई थे 13519.90, डाल दिए, लो डाल दिए 13488.8, लो डाल दिए, हाई एंड लो डाल दिए। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेंगे, उसके बाद सेकेंड जो कैंडल है वो सेकेंड कैंडल के हाई लो डालना पड़ेंगे। तो डाल देते हैं इसमें 13488.35 और लो 13453.9 डाल दिए, दोनों डाल दिए। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेंगे, हम लोग को लास्ट जो कैंडल है 13453.9 और 13488.35, ओके। अभी क्या करना है, अभी लास्ट जो कैंडल है इसके हाई लो डालना पड़ेंगे 13531531 और 13517.8 डाल दिए। जैसे डाले इसमें एक यस आ गया, पहले थे ए नो अभी हो गए यस। तो यस होने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेंगे, यस जैसे हो गए तो हम लोग को पता चल गया कि 11th पे हम लोग को ट्रेड लेना है, वेरी इंटरेस्टिंग, 11th का ट्रेड लेना है। 11th पे हम लोग क्या करेंगे, 11th पे हम लोग आए और मार्केट पे जो फर्स्ट कैंडल है उसको खत्म हुए होने दिए। जैसे मार्केट के फर्स्ट कैंडल किया 15 मिनट के कैंडल खत्म हुए तो हम लोग क्या किए, सिंपल सा इसके ऊपर एक बाय ऑर्डर लगा दिए, इसके ऊपर एक बाय ऑर्डर लगा दिए और इसके नीचे एक सेल ऑर्डर लगा दिए। जैसे आप देख पा रही हो कि आपके बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, मल्टीपल टाइम मिले, बहुत टाइम मिले, 2-3 बार एग्जीक्यूट हो गए, उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर चले, करीबन आपका 561 से 96, वही 30-36 पॉइंट मार्केट चले, 2 बार ट्राई मारे और मार्केट पे डाउन ट्रेंड चालू हो गया, आपका स्टॉप लॉस इधर खा गया। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप क्या किए, आप जैसे ये देख पा रही हो जैसे मार्केट ऊपर गई है आप इसमें 2 लॉट लगा दिए, तो इस पॉइंट पे आपका क्या होंगे, इस पॉइंट पे जो बाय ऑर्डर इधर एग्जीक्यूट हुए थे वो बाय ऑर्डर तो एग्जिट हो जाएंगे, आपका एक सेल ऑर्डर लग जाएंगे। वो सेल ऑर्डर को किधर निकालना है, वो सेल ऑर्डर को ये जो डिस्टेंस है इसके मुताबिक आपको एक टारगेट सेट करना है, इसमें जो डिस्टेंस है, या कि आपका 13522 13561, तो 40 पॉइंट का आपका टारगेट सेल का मिल जाएंगे। तो जैसे कि हम A79 पे लगा दिए तो करीबन ऐसे आपके 40 पॉइंट का डिस्टेंस इधर मेंटेन करना है, और हाथों हाथ आपका जो लॉस थे रिकवर हो गए, आज के दिन के लिए आपका ट्रेड खत्म हो गया, आज आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपका ट्रेड दिन खत्म हो गया। तो ऐसे आपको अभी क्या करना है, अभी आप पिछला 3-4 मंथ के डेटा पे इसको एनालिसिस कीजिए और उसके बाद मंडे से इसको लगे पड़ो, मंडे से इसमें क्या ट्रेड आ रही है नहीं आ रही है वो ट्रैक करते जाओ, नेक्स्ट 15 दिन 20 दिन की 1 मंथ आप पेपर ट्रेड करो
और इस टाइम आपको कोई दिक्कत आए तो मेरे से डिस्कस करो और उसके बाद आप इसमें टेट करना चालू कर दो। अभी हम देख लेते कोई चैट पे कुछ क्वेश्चंस है तो वो क्लियर कर लेते हैं। कोई डाउट कोई क्वेश्चंस है तो अच्छा लो इज परेश, लो इज मिस्टेक। ओके देख लेते एक बार लो पे क्या मिस्टेक है, चेंज करके देख लेते हैं। फर्स्ट कैंडल 13:56 इस दिन। थर्टीन फाइव वन नाइन, 13487.45। अच्छा इसमें इसमें प्रॉब्लम है, दो है 13487.13487.45। ठीक है इसमें कोई चेंज नहीं आए, इसमें स्टिल ये सी आए। थैंक यू फॉर आइडेंटिफिकेशन। और एक बार हाईलो चेक कर लेते हैं, हाई 13519.9 बिल्कुल सही है, 13487.45 इसको चेंज कर दिए। उसके बाद 13488.35 बिल्कुल सही है, 13453.95 गुड इसमें सही है। और इसमें भी देख लेते हैं 13531 गुड, 13517 यस। और ये सारे चीज कलेक्ट करने के बाद भी हम लोग के पास ये सी आए थे तो इसमें हम लोग को इस ट्रेड पे जाना थे। तो हम दो ट्रेड आपको दिखा दिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखा दिए, एक लूजिंग ट्रेड दिखा दिए, और एक प्रॉफिट पे हम लोग को दिखा दिए कि इसमें आपका पूरा दिन मार्केट एक ट्रेंड पे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थे, और जो लॉस वाले थे उसमें लॉस को हम लोग रिकवर किए। हार्ड टाइम्स ऐसे रिकवर नहीं होंगे, ऐसे भी हो सकते कि किसी भी दिन ऐसे आए कि आपका दोनों ही लॉस हो जाए, ऐसे वेरी फ्यू डेज ऐसे होते बट होते हैं। बट स्टॉप लॉस रिवर्स करने से आपका ओवरऑल आपका गेन ही है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन सारे ले लेते हैं। यस परेश थैंक यू वेरी मच, लो हम चेंज कर दिए और लो चेंज करने के बाद भी हम लोग को ट्रेड यस थे, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। नरेंद्र इट्स वर्क ओनली ऑन निफ्टी फ्यूचर और एनी स्टॉक फ्यूचर? नो नरेंद्र, ये निफ्टी फ्यूचर पे ही काम करते हैं। देखो हम हमेशा एक ये चीज बोलते हैं कि हर स्टॉक के लिए, हर इंडेक्स के लिए आपके अलग अलग स्ट्रेटजी होना चाहिए। ऐसे स्ट्रेटजी नहीं होते कि आप एक स्ट्रेटजी बना लिए और उसको सारे यूनिफॉर्मली सारे स्टॉक पे, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे लगाने के चक्कर पे हम लोग का लॉस लग जाते हैं। इतना आसान तो हो नहीं सकते क्योंकि हर 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 अलग अलग स्टॉक के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसका वोलेटिलिटी, उसका लिक्विडिटी, उसका मोमेंटम, उसका सारे चीज डिफरेंट होते हैं। तो यूनिवर्सल स्ट्रेटजी नहीं होते, और हम लोग यूनिवर्सल स्ट्रेटजी एक स्ट्रेटजी सीख के कि एक टेक्निकल एनालिसिस पे कोई इंडिकेटर के बारे पे सीख के उसको सारे स्टॉक पे लगा देने से प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं आपको कि आप अलग अलग स्टॉक, कुछ एक दो स्टॉक ढूंढ लो कि एक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ढूंढ लो और उसमें एक उसमें जो स्ट्रेटजी लगाना है वही उसी पे ही काम करो। इसीलिए तो हम लोग जो ट्रेडिंग क्लास है इसमें चार क्लास पे अलग अलग चार स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाई ओनली 15 मिनट, कैन वी ट्राई 30 और 1 आवर्स? 30 और 1 आवर्स हाँ आप एक बार ट्राई करके बैक टेस्ट करके देख सकते हो। एक्सेल आपके पास है, आपके ईमेल पे एक्सेल मिल गया है तो आप एक बार उसमें बैक टेस्ट करके देख सकते हो। मेरे ख्याल से हम लोग, मेरा मेरा टीम और हम मिलके जो रिसर्च किए थे उसमें हम लोग 15 मिनट पे इसको सही लगे, 15 मिनट पे रिजल्ट सबसे अच्छा देखें। अभी सिचुएशन चेंज हो सकते हैं, हम लोग 2-3 साल पहले रिसर्च किए थे, अभी अगर आप चाहो तो 30 मिनट की 1 आवर्स पे लगा के देख सकते हो। दिस स्ट्रेटजी कैन वी यूज इन कैश सेगमेंट? कि नो, ये हम लोग कैश सेगमेंट पे यूज नहीं कर सकते इसको, फ्यूचर और ओनली निफ्टी फ्यूचर पे इसको यूज करना है।
इज देयर एनी डेली ट्रेड स्ट्रेटेजी? हाँ परेश, डेली ट्रेड स्ट्रेटेजी हम लोग सीखेंगे ना, जो थर्ड क्लास है मूविंग एवरेज शैडो टेक्निक, उसमें हम लोग डेली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे। रविंद्र, डोंट ट्रेड निफ्टी फ्यूचर प्लीज शेयर रिगार्डिंग स्टॉक फॉर इंटरडे। रविंद्र, अगर आप निफ्टी फ्यूचर पे ट्रेड नहीं करते तो कोई बात नहीं, इसीलिए हम लोग संडे क्लास पे चार अलग अलग स्ट्रेटेजी सीखते हैं, और चार अलग अलग क्लास पे एक फर्स्ट जो क्लास स्टार्ट होते हैं मंथ के, उसमें क्या सीखते हैं हम लोग, उसमें कैश के इंट्राडे सीखते हैं। तो आगे जाके जो क्लास आपके होंगे उसमें आपको कैश मार्केट का स्ट्रैटेजी और वो भी इंट्राडे का स्ट्रैटेजी सीखेंगे, इंट्राडे भी सीखेंगे और हम लोग स्विंग की डे ट्रेडिंग का, डेली ट्रेडिंग का वो भी सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग उसके बारे पे डिस्कस करेंगे। पूरा जो संडे ट्रेडिंग पे जो चार संडे ट्रेडिंग मास्टर क्लास पे जो चार अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखते हैं, इसीलिए हम लोग चार अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखते हैं कि किसी ने इंट्राडे पे कैश पे करते हैं, किसी ने पोजिशनल करते हैं, किसी ने निफ्टी पे, किसी ने बैंक निफ्टी पे। तो चार चार जो स्ट्रैटेजी हम खुद ट्रेड करते हैं उसको हम उसमें डाल दी। कैन वी यूज इन निफ्टी ऑप्शन? हाँ, निफ्टी ऑप्शंस हम लोग जरूरी यूज कर सकते हैं, निफ्टी ऑप्शंस पे इस सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा एंट्री एग्जिट को मॉडिफाई करना पड़ेंगे। कौन सी स्ट्राइक लेना है, क्या करना है, हम लोग नेकेड ऑप्शंस पे जाएंगे कि स्ट्रैटेजी लगाएंगे, इसके बारे पे अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9339494323, उसमें आप पूछ सकते हो, हम आपको जरूर गाइड कर देंगे। इस क्लास पे हम लोग के ऑप्शंस का कवरेज है नहीं तो बट इसमें ऑब्वियसली ऑप्शन पे ट्रेड तो एक आप कर सकते हो। व्हाट द टारगेट टू बी सेट व्हेन वी एनकाउंटर द लो ऑफ द कैंडल? हाँ, लो ऑफ द कैंडल एनकाउंटर करने के लिए आपके दिन पे जो जो जितना पॉइंट आपका लॉस हो गया, आपको टारगेट उतना पॉइंट के सेट करना है। एक बार लॉस हो गया तो अभी नेक्स्ट हम लोग का इमीडिएट जो गोल है वो है कि जो लॉस हुए उसको रिकवर करना। मान लो आपका पहले फर्स्ट ट्रेड पे 40 पॉइंट का लॉस लग गया तो आपको 40 पॉइंट का ही टारगेट रखना है। कैन वी यूज निफ्टी ऑप्शन? हाँ, निफ्टी ऑप्शन बिल्कुल यूज कर सकते हो, बट इस थोड़ा इसमें ऑप्शंस के कौन सी स्ट्राइक क्या स्ट्रेटजी, कब हम लोग को नेकेड एक ही कॉल पुट पे जाना है, कब इसको स्ट्रेटजी बना के डिप्लॉय करना है, वो सारे कर सकते, बट उस एक क्लास पे वो कवरेज है नहीं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आप एक बार मेरा व्हाट्सएप नंबर पे 9339494323 पे एक बार आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे। नरेंद्र, यू वेलकम। एडमिन, यू वेलकम। परेश, ओके थैंक्स, यू वेलकम। गौरव, कैन वी एग्जिट बिफोर 3:15? गुड क्वेश्चन गौरव। 3:15 के पहले एग्जिट आप कर सकते हो शुरू शुरू पे। अगर आप मान लो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जैसे हम बोले ये स्ट्रेटजी सीखने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, नंबर टू स्टेप, आपको लास्ट 3-4 महीने का ट्रेड क्या है नहीं है वो एक बार आपको ट्रैक रखना पड़ेंगे। मीन्स आप चार्ट पे जाके एक्सेल पे डेटा डाल के आप देखेंगे कि लास्ट 3 मंथ पे कि 6 मंथ पे आपके पास जितना चार्ट अवेलेबल है, आपको टेस्ट करना चाहिए कि इसमें रिजल्ट क्या निकल के आ रही है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 15 दिन का पेपर टेस्ट करना है, पेपर पे ट्रेड करना है, उसके बाद आप रियल मार्केट पे ट्रेड करेंगे। रियल मार्केट पे जब आप ट्रेड करने चालू करेंगे, शुरू शुरू पे आप प्रॉफिट बुक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपका एक प्रॉफिट बैलेंस बन जाएंगे जो कि ना आपका स्ट्रेस लेवल को सिग्निफिकेंटली लो कर देंगे। बट लंबा टाइम के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें 3:15 के पहले एग्जिट मत करो। एक तो कि 3:15 के पहले एग्जिट करने पे आपको मार्केट पे ध्यान रखना पड़ेंगे, जो कि ना हम चाहते नहीं। हम चाहते एक बार ऑर्डर लगा के हम दूसरा काम पे एंगेज हो जाए और 3:15 पे आके ट्रेड काट दे। लंबा टाइम फ्रेम पे 3:15 तक होल्ड करने पे आपका फायदा ज्यादा है। राहुल, प्लीज शेयर दिस एक्सेल शीट। राहुल, ए एक्सेल शीट ऑलरेडी आपके वेलकम मेल पे है, आप एक बार सर्च कर लो, आपको एक वेलकम मेल मिले, जिस वेलकम मेल पे इस एक्सेल शीट, इसके ई बुक, एक शॉर्ट
शॉर्ट टर्म सीक्रेट फॉर लॉन्ग टर्म सीक्रेट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, एक बुक, सारे ट्रैक सीट, एक्सेल सीट, सब कुछ उस वेलकम मेल पे आपको ऑलरेडी मिल चुके। आप वेलकम मेल चेक कर लीजिए। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज मेरे को एक बार मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज आर नॉट, नो वी डू नॉट यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने पे क्या होते कि बार बार वो काट जाते ऐसे। देखो गोल है कि एलिमिनेट करना, कोई डिसीजन मेकिंग स्टेप को एलिमिनेट करना ट्रेडर्स का गोल है। ट्रेडर्स का गोल है कि जितना कम डिसीजन स्टेप ले, जितना कम इंटरवेंशन रह जाए मेरा ट्रेडिंग पे उतना ही ज्यादा अच्छा है। और एक डिसीजन लेके और एक चीज ऐड करके ट्रेडिंग कभी इंप्रूव नहीं होते। ट्रेडिंग इंप्रूव होते हैं एलिमिनेट करके, एक स्टेप एलिमिनेट करके ट्रेडिंग इंप्रूव होते हैं, बट एक स्टेप ऐड करके और एक इंडिकेटर ऐड करके और एक मेथडोलॉजी ऐड करके ट्रेडिंग कभी इंप्रूव नहीं होते। बट अगर आपके एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेटजी है जो आप फॉलो करते हो उसमें अगर आपको मौका मिल जाए और एक डिसीजन पॉइंट को आप एलिमिनेट कर दो, देखना उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होंगे। हम लोग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, हम लोग एक बार स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं। वेलकम राहुल। तो आज के क्लास में हम लोग सारी चीज डिस्कस कर लिए, हम आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखाए, हम डिस्कस किए थे कि संडे ट्रेडिंग क्लास में हम लोग चार अलग अलग स्ट्रेटेजी सीखते हैं, एक कैश मार्केट के सीखते हैं, एक स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर सीखते हैं, एक बैंक निफ्टी के सीखते हैं और एक निफ्टी जो कि ना आज के क्लास में हम लोग सीख लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसको टेस्ट करना है, उसके बाद 15 दिन का मिनिमम आपको पेपर ट्रेड करना है और आप रेडी हो ट्रेड करने के लिए। कोई क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में जरूर डाल सकते हो। डू यू हैव टू ट्रैक द चार्ट कंटिन्यूअसली फॉर चेकिंग व्हेदर द चार्ट इज मूविंग बिलो द लो ऑफ द कैंडल? नो अमिता, कोई चार्ट को ट्रैक करने का कोई मतलब नहीं मानते, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर लग गए ना, आप दो लॉट के ऑर्डर लगा दिए, अभी लो के नीचे जा रही कि नहीं जा रही है, उतना एकदम कंटिन्यूअस चार्ट ट्रैक करने का इस ट्रेडिंग पे जरूरत नहीं है। जब आप 15 डेज जब आप पेपर ट्रेड करेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या करना है नहीं करना है। उस टाइम अगर आपको कोई दिक्कत आए तो हम इसमें व्हाट्सएप नंबर मेरा दे देते, जरूर पूछा करो, क्योंकि कोई डाउट है तो वो डाउट क्लियर करके आगे बढ़ना है। 9339494323 वो डाउट क्लियर करके आगे बढ़ना है। जब 15 दिन का जो टाइम फ्रेम पे आप पेपर ट्रेड करेंगे उस टाइम पे ये सारी चीज, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते, बहुत सारे डाउट आ सकते, बिल्कुल फील फ्री, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस और आप सारे डाउट क्लियर करके रियल टाइम ट्रेडिंग चालू करो, ये हम चाहते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास इधर ही एंड है और अगर कुछ क्वेश्चन है आप जैसे हम बोले आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर संडे इवनिंग। सर आप ऑप्शंस और इक्विटी के स्ट्रेटजी सिखाते हैं? यस गौरव, ऑप्शंस और इक्विटी तो आप इस क्लास पे ही सीख जाएंगे। नेक्स्ट संडे क्लास पे हम लोग इक्विटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि आप जो संडे क्लास पे ज्वाइन किए इसमें आपको चार अलग अलग क्लास में अलग अलग चार स्ट्रेटजी सिखाते हैं हम, उसमें एक स्ट्रेटजी है इक्विटी के ऊपर। ऑप्शन के ऊपर अभी कोई स्ट्रेटजी इस संडे क्लास पे नहीं है। आप ऑप्शंस के जो गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट करो, हम आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू ऑल एंजॉय संडे इवनिंग। टेक केयर, नाइस, गुड बाय। यू वेलकम सुजीत। गौरव वेलकम।